हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिनकी सेल्स हमने देखी है लास्ट कुछ मंथ से काफी अच्छी इंप्रूव हुई है और यही प्रोडक्ट आगे आने वाले कुछ मंथ्स में बेस्ट सेलर में भी हो सकते हैं। अभी के लिए इन प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिशन कम है, किसी में मीडियम है, तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आप इस तरह के प्रोडक्ट्स पे अगर काम कर सकते हो, कुछ एड ऑन के साथ इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेके आ सकते हो, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स से काफ़ी अच्छी सेल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको टॉप 5 प्रोडक्ट्स बताऊंगा, उनकी सेल्स आपको हिस्ट्री बताऊंगा, डेली की सेल्स उनकी कैसी आती है, उनका कॉम्पिटिशन आपको कैसे देखना है, और ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे मोबाइल कूलिंग फैन, जो यूज होता है मोबाइल हीट इशू को कंट्रोल करने के लिए। प्रोडक्ट देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट से आप किस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी लोग मोबाइल का हैवी यूज करते हैं, मोबाइल को सिर्फ गेमिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसकी वजह से मोबाइल का हीट इशू बढ़ जाता है और ये प्रोडक्ट वहाँ पे यूज होता है उस हीट इशू को कंट्रोल करने के लिए। मैंने इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी अमेजोन पे देखा है, कंपटीशन लेवल इस प्रोडक्ट का बहुत ही कम है। अगर आप अमेजोन पे सर्च भी करोगे मोबाइल कूलिंग फैन फॉर गेमिंग, आपको कंपटीशन लेवल वहाँ पे बहुत ही लो दिखेगा। यही एक मेन सेलर है जो सारी सेल्स को लेके जाता है। एक बार हम लाइव एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि इस प्रोडक्ट का आपको कंपटीशन यहाँ पे कितना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कूलिंग फैन ही लिखा और देखिए यहाँ पे कीवर्ड खुद ही यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, ये हमें नहीं देखना है। यहाँ पे आप देखिए, अभी ये रिसेंटली किसी ने लॉन्च किया प्रोडक्ट, इसी सेम प्रोडक्ट है, इसके साथ इन्होंने ट्रिगर भी दिए हुए हैं। यहाँ पे इसका प्राइस 1099 है और इसके साथ ही यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है इसका। यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा लो है बट प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 449 है। ये वाला हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, ये डेस्क के लिए यूज़ होता है। और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे रिव्यूज़ आपको प्रोडक्ट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया कि इस प्रोडक्ट का जो कंपटीशन लेवल है बहुत ही लो है, बट यहाँ पे सेल्स इस प्रोडक्ट की आ रही हैं, काफ़ी अच्छी सेल्स आ रही हैं और ये सेल्स ग्रो करने वाली हैं फ्यूचर में। अगर हम इस प्रोडक्ट का यहाँ पे देखते हैं तो रिव्यूज़ यहाँ पे 225 है, रेटिंग्स भी आप देख सकते हो इसकी ठीक ही है, यहाँ पे 3.9 स्टार है यहाँ पे। और प्राइस यहाँ पे आप देखिए, ये सेलर इसको बेच रहा है 1499 में। इसके साथ यहाँ पे मार्जिन आप इस प्रोडक्ट में देख सकते हो कि कितना ज्यादा इनको यहाँ पे मार्जिन मिल रहा होगा इस प्रोडक्ट से। अगर यहाँ पे इस प्रोडक्ट की इनको कॉस्ट 500 भी पड़ती होगी तो उसके बाद भी आप देखिए इनको यहाँ पे कितना मार्जिन पड़ रहा होगा पर सेल के हिसाब से। एक बार इसका हम ASN कॉपी करते हैं और देखते हैं इसकी ट्रैकर में सेल्स। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, एक बार मैं इसका ग्राफ आपको बता देता हूं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। लास्ट 30 या 40 डेज का हम देखते हैं तो एवरेज उनकी डेली की सेल्स है यहां पे 10 से 11 हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो इनको कभी 16 सेल आती हैं, कभी यहां पे सेल्स आप देख सकते हो 8 हैं, कभी यहां पे आप देख सकते हो सेल्स 22 है। तो ग्रेजुअली ये प्रोडक्ट यहां पे ग्रो कर रहा है। यहां पे आप ग्राफ देख सकते हो एकदम क्लियर, आपको पता चल रहा है कि स्टॉक इनका कैसे गिर रहा है। और यहाँ पे इन्होंने रीस्टॉक किया था प्रोडक्ट को 3 जुलाई को और देखिए यहाँ पे इनके पास स्टॉक था 493। और अब अगर हम इसका देखते हैं तो इनके पास स्टॉक यहाँ पे बचा है 374 और 2 वीक्स के अंदर ही आप देख सकते हो यहाँ पे 150 प्लस यहाँ पे यूनिट सोल्ड कर चुके हैं। अगर इनको एक प्रोडक्ट से 300 रुपये का भी मार्जिन मिलता है, आप इसके हिसाब से लगा सकते हो कि दिन की अगर इनको 11 सेल्स आ रही हैं और ये 300 यहाँ पे 400 अपना मार्जिन रख रहे हैं तो इनका डेली का इनका कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आप भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई थी मगर वहाँ पे हमने इसकी डेटा से रिलेटेड बात नहीं की थी, तो यहाँ पे आप लाइव डेटा का देख सकते हो। हो सकता है ये फ्यूचर में और इंप्रूव हो। अगर कोई यहाँ पे थोड़े कम प्राइसिंग के साथ इस प्रोडक्ट को लेके आता है तो सेल्स आप यहाँ पे जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप मोबाइल गेमिंग एक्सेसरीज में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आइडिया लगा के एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट में, जो है थंब एंड फिंगर स्लीव फॉर मोबाइल गेम। ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है और अमेजोन पे काफी अच्छा सेल हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम लाइट वेटेड प्रोडक्ट है और गेमिंग पर्पज के लिए यहाँ पे यूज होता है। और इसके साथ ही जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप गेमिंग एक्सेसरीज को टारगेट करना चाहते हो तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो और अमेजोन पे ये काफी अच्छे सेल हो रहे हैं। जो इससे पहले के प्रोडक्ट की हमने बात की वो भी गेमिंग एक्सेसरीज से ही था और उसकी सेल्स भी काफी अच्छी थी। और अब इस प्रोडक्ट की भी एक बार ट्रैकर में सेल्स देख लेते हैं कि इसका डेली का सेल्स रिस्पॉन्स कितना है, ताकि एक आइडिया हो जाए आपको कि अगर आप इस टाइप के प्रोडक्ट्स में जा रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको कितनी सेल यहाँ पे आ सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को सर्च कर लिया है, अब मैं इसका ग्राफ देखने के लिए ओपन बटन पे क्लिक करूंगा और इसके साथ ही यहाँ पे आप इसका लास्ट 2 वीक्स का ग्राफ देख सकते हो। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 10 जुलाई का इसका स्टॉक था 957 और सेल्स इसको आई है 26, इसके बाद
11 को आप देख सकते हो 894 यहाँ पे स्टॉक और सेल्स इनको आई है 63। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेली की जो इसकी एवरेज सेल्स है वो 25 के आसपास है और इसके साथ ही इन्होंने लास्ट 2 वीक्स में सोल्ड किए 353 यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि इस प्रोडक्ट की भी कितनी डिमांड है। यहाँ पे 2 वीक्स में ये प्रोडक्ट 350 पीसेस बिक जाता है। तो इस तरह से अगर आप आइडियाज़ के साथ आते हो, डेटा एक बार आप देख लेते हो कि इस प्रोडक्ट में सेल्स कितनी है, रिस्पांस कैसा है, तो यहाँ पे आपको और आसानी हो जाती है प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होता है कि सेल्स इस प्रोडक्ट में कितनी है। अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करोगे, रिव्यूज़ बेटर लाओगे, वीडियोज़ के साथ लाओगे या फिर क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट को लेके आओगे या फिर कुछ कॉम्बोज के साथ इस प्रोडक्ट को ऐसे लेके आओगे जहाँ पे आप दो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एज अ कॉम्बो ऑफर करो और ऑडियंस को फिर वहाँ पे टारगेट करो। कॉम्बोज आजकल अमेजोन पे काफी अच्छे सेल होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, वुमेन किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस से हो या फिर यहाँ पे गेमिंग एक्सेसरीज से हो। जितना आप देखोगे कि प्रोडक्ट की सेल कितनी है, दो प्रोडक्ट्स को आप साथ में कंबाइन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करके उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हो, अगर वो टेस्ट आपका पास हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, उसी प्रोडक्ट का स्टॉक आप बढ़ा के लेके आओगे क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सेल्स इस प्रोडक्ट में काफी अच्छी आ रही है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। और इसके साथ ही आप मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो आप Amazon पे सेल कर सकते हो। ये है वो थर्ड प्रोडक्ट जो है स्पोर्ट्स का कॉम्बो किट्स के लिए। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी Amazon पे काफी अच्छे सेल होते हैं। ये कॉम्बो में दे रहे हैं आपको क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। क्रिकेट की यहाँ पे किट्स के लिए किट दी है इन्होंने प्लास्टिक में है जो, और यहाँ पे बैडमिंटन है, फुटबॉल्स हैं, और इस तरह से इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स का यहाँ पे कॉम्बो बनाया हुआ है। जैसे हम बात कर रहे थे कॉम्बोज Amazon पे काफी अच्छे सेल होते हैं, तो यहाँ पे आप उसका एग्जांपल देख सकते हो। 1099 यहाँ पे इनका प्राइस है और फिर भी आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करके इनकी अभी की रिसेंट रैंक देखते तो 593 इनकी यहाँ पे रैंक है, मतलब कि इनको 10-15 सेल्स तो इजीली आ रही हैं इस प्रोडक्ट से। और यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग देखिए आप, 1100 का प्रोडक्ट है, अगर इसकी कॉस्टिंग भी इनको 400 या 500 या 600 आप मैक्सिमम लेके चलिए तो उसके बाद भी ये 200-250 रुपए इस प्रोडक्ट से इजीली यहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको आइडियाज लगाने हैं और प्रोडक्ट को लाइव करना है। और इसके साथ ही इसका भी एक बार डेटा देख लेते हैं ताकि यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये प्रोडक्ट वाकई में इतना सेल होता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसका एसेंस सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका लास्ट 2 वीक्स का हम ग्राफ देख लेते हैं और यहाँ पे आप देखिए इनका सेल्स रिस्पॉन्स देखिए। यहाँ पे आप 18 सेल है इनकी 11 को, और इसके बाद 12 को इनको 12 सेल आई हैं। देखिए यहाँ पे आप 7 सेल हैं, स्टॉक थोड़ा सा इनका इंक्रीज किया उन्होंने, और यहाँ पे इनकी रिसेंट जो 14 की सेल्स हैं वो 18 हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 2 वीक्स से जो इनकी डेली की एवरेज सेल्स हैं यहाँ पे 20 है पर डे, और एवरेज रैंक ये मेंटेन करते हैं 510। और देखिए यहाँ पे आप, इन्होंने लास्ट 2 वीक्स में यहाँ पे 279 पीसेस सोल्ड कर दिए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा इन्होंने स्टॉक लास्ट 30 डेज में सोल्ड किया है 559। तो मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट लेके आओ जिसमें आपको सेम टू सेम सारी चीज़ें ऐसी रखनी है। प्रैक्टिकली देखिए अमेजोन पे कि कौन से ऐसे छोटे छोटे टॉयज हैं जो अमेजोन पे बच्चों के काफ़ी अच्छे सेल होते हैं, जो लो प्राइस पे हैं उनको आप कॉम्बो बना के यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो और उनको टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। आपने ऑलरेडी अमेजोन पे देखा होगा कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे स्टैंड, लैपटॉप से रिलेटेड स्टैंड, जो छोटे वाले साइज के होते हैं उस तरह के स्टैंड भी आपने ऑलरेडी अमेजोन पे देखे होंगे। बट ये जो स्टैंड है यहाँ पे, ये एक कंप्लीट यहाँ पे डेस्कटॉप की तरह काम करता है, थोड़ा साइज में बड़ा है। अगर आप यहाँ पे एक मार्जिन वाला प्रोडक्ट चाहते हो तो इस तरह के प्रोडक्ट को आप टारगेट कर सकते हो अगर आपके पास कैपेसिटी है, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोडक्ट बड़ा है साइज में। तो यहाँ पे आपको इसकी शिपिंग वगैरह देखनी पड़ेगी, शिपिंग फी वगैरह देखनी पड़ेगी, बट सेल्स इस प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी लैपटॉप से रिलेटेड स्टैंड तो अमेजोन पे बिक ही रहे हैं, और इसी में आप अगर अपग्रेडेड फीचर लेके आना चाहते हो, इस तरह के लैपटॉप स्टैंड को आप एडजस्टेबल बना सकते हो, या फिर इसी में आप कुछ और तरह के एडवांस दे सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉवर दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरह से यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आपको आइडियाज चाहिए आप amazon.com पे जाइए या फिर अलीबाबा में सर्च कीजिए सिमिलर कीवर्ड से, आपको डिफरेंट टाइप के आइडियाज मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो amazon पे सेल होते हैं, बट वहाँ पे वो आपको अपग्रेडेड फीचर्स के साथ दिखेंगे जहाँ से आप आइडिया लेके उस प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग देख सकते हो, नियर अराउंड 3000 का ये सेल होता है। अगर आपको इस टाइप के प्रोडक्ट की यहाँ पे कॉस्ट 1500 भी यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे आप देखिए amazon अगर आपसे 500 या 600 भी ले रहा है, तो यहाँ पे आप मार्जिन देख सकते हो। उसके बाद भी अगर सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो उसके बाद भी यहाँ पे आपको मार्जिन यहाँ पे 500 से ज्यादा ही रहेगा। तो एक बार यहाँ पे इसकी सेल्स ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं हम इसका, 15 जून का इनके पास स्टॉक था यहाँ पे 522 और सेल इनकी हुई थी यहाँ पे 4, और उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 476 इनका स्टॉक है और 19 इनकी सेल है, और फिर यहाँ पे 384 इनका स्टॉक है और 33 इनकी सेल है। मतलब कि सेल्स इस प्रोडक्ट की यहाँ पे आप
अगर यहाँ तक आप इसकी सेल्स देखिए 160 स्टॉक है और फिर यहाँ पे 25 है, इसके बाद ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया और काफ़ी टाइम तक ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहा। और उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक था तो रैंक यहाँ पे देखिए इसकी कैसे यहाँ पे बढ़ी है। तो ये सारा डेटा आपको ट्रैकर दे देता है, आपको समझ आ जाता है कि जब प्रोडक्ट का स्टॉक गिरता है या फिर उसकी सेल्स गिरती हैं तो रैंक यहाँ पे देखिए कितनी हाई चली जाती है। और अभी इन्होंने इस प्रोडक्ट को रीस्टॉक किया है 23 स्टॉक के साथ। जैसे ही अपना स्टॉक यहाँ पे पहले की तरह बढ़ा देंगे 500-600 पीसेस डेली की, फिर से इनकी एवरेज सेल्स मेंटेन हो जाएंगी तो फिर से इनकी रैंक आप देख सकते हो नीचे गिर जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे 2000-1500 या 500 तक पहुंच जाएगी होम एंड किचन कैटेगरी में। पर डे की सेल्स इनकी 13 है। अगर मार्जिन को लेकर चलिए, मार्जिन इनका काफी ज्यादा है, 500 मिनिमम रखते हैं। अगर 500 यहाँ पे अपना सिर्फ प्रॉफिट बचा रहे हैं तो 13 सेल इनको दिन की भी आती है, तो आप खुद आइडिया लगाइए कि कितना यहाँ पे सेव कर रहे हैं। लास्ट यहाँ पे 30 डेज में उन्होंने यूनिट सोल्ड किए हैं 400। अगर यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक ना होता उनका प्रोडक्ट तो हो सकता है इनके पीसेज यहाँ पे 500-600 से प्लस ही होते। इसके साथ ही मूव करते हैं हमारे लास्ट प्रोडक्ट की तरफ जो फिर से यहाँ पे गेमिंग एक्सेसरीज है और ये यूज होता है आपका एज अ गेमिंग ट्रिगर। मैंने ऑलरेडी अमेजोन पे डिफरेंट टाइप के गेमिंग ट्रिगर देखे हैं, ट्रांसपेरेंट आपको दिख जाएंगे, बट वो पहले अमेजोन पे सेल होते थे, उनकी क्वालिटी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे इस ब्रांड ने क्वालिटी और इसके डिजाइन को थोड़ा सा अपग्रेड किया और इस टाइप का यहाँ पे प्रोडक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सो गाइज यहाँ पे एक बार अमेजोन पे इसका कॉम्पिटिशन देख लेते हैं और इसके साथ ही देखते हैं कि कैसे आप एक ऑलरेडी सेल हो रहे प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर सकते हो, उसके डिजाइन को थोड़ा सा यूनिक कर सकते हो और मैक्सिमम सेल्स को जनरेट कर सकते हो। सो इसके लिए हम अमेजोन के पेज पे चलते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा गेमिंग। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सिर्फ मेन कीवर्ड लिखा गेमिंग ट्रिगर और जैसे मैं इसको सर्च करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप में हमें यहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट दिख रहे हैं। थोड़ा लो प्राइस के साथ सेलर ने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च किया है और ये वो प्रोडक्ट है जो हम देख रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है बट यहाँ पे इन्होंने अपना प्रोडक्ट की जो भी पैकिंग है वो हाईलाइट किया कि किस तरह से आपको ये पैक करके देते हैं प्रोडक्ट को। और इस प्रोडक्ट का अमेजोन पे मैंने प्राइस देखा है जो मैक्सिमम टाइम रहता है 449 और मैक्सिमम सेल्स ये वो सेलर लेके जाता है। मैं इस प्रोडक्ट का आपको लाइव सेल्स ग्राफ भी बताऊंगा ताकि आपको चीजें और क्लियर हो कि कितनी पर डे की सेल्स यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। रिव्यूज आप देख सकते हो इसके सबसे ज्यादा यहाँ पे, इसके बाद ये वाला प्रोडक्ट है ये ट्रांसपेरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसकी यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसिंग 229 है और इन्होंने इसी प्रोडक्ट को आप देख सकते हो और अपग्रेड किया है। इनका ब्रांड अमेजोन पे रजिस्टर है तो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले एड्स भी रन किए हैं। इसके बाद ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये बिल्कुल लो प्राइसिंग वाले हैं, इस तरह के प्रोडक्ट में हमें नहीं जाना है, हमें इस तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट में जाना है। अगर आप छोटे छोटे इस तरह के प्रोडक्ट का कॉम्बो बना सकते हो तो वो भी बेटर रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में थंब स्लीव्स भी बताई थी, आप उन दोनों का कॉम्बो भी बना सकते हो, उनको सेल कर सकते हो, बट क्वालिटी आप हमेशा एक बार चेक कीजिए, प्रोडक्ट की अप टू द मार्क होनी चाहिए। उसके बाद आपको नेगेटिव जो फीडबैक है वो आना कम हो जाता है। एज अ बायर सोचिए अगर आपके प्रोडक्ट में नेगेटिव रेटिंग्स कम होगी तो मैक्सिमम टाइम जो भी बायर हो गए वो आपके प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए हम बात कर रहे थे थंब स्लीव और ये गेम ट्रिगर के कॉम्बो की, बट इनकी क्वालिटी बिल्कुल यहाँ पे खराब है। इसके साथ ही अगर आप और ग्रो करना चाहते हो इसी नीच में तो यहाँ पे आपके लिए एक और आइडिया है, आप मोबाइल गेमिंग कंट्रोलर को भी यहाँ पे सेल कर सकते हो। इसमें भी आपको डिफरेंट टाइप के और डिजाइन दिख जाएंगे, कूलिंग फैन के साथ इस तरह के प्रोडक्ट्स आजकल आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए रिव्यूज इन प्रोडक्ट्स में, अब जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो रिव्यूज आना कम हो चुके हैं, मतलब कि इस प्रोडक्ट में भी आपको कॉम्पिटिशन बिल्कुल कम मिलता है, बट सेल्स इस प्रोडक्ट की है। एक बार सेल्स ग्राफ देख लेते हैं, जो मेन यहाँ पे सेलर है उसकी कितनी यहाँ पे डेली की सेल्स आती है, तो मैं इसका यहाँ पे ASN कॉपी कर लूंगा और फिर से यहाँ पे हम ट्रैकर में चलते हैं और एक बार इसको सर्च करते हैं। इसका ग्राफ देखने के लिए मैं ओपन बटन पे क्लिक करूंगा। मैं इसको लास्ट 2-3 मंथ से ट्रैक कर रहा हूँ तो अभी हम इसका लास्ट 2 वीक्स का यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 26 जून को इनका स्टॉक था 388 और कितना फास्ट इनका यहाँ पे सेल हो रहा है प्रोडक्ट। अगर हम 2 जुलाई का स्टॉक देखते हैं तो आप देखिए 107 है और 82 पीसेज यहाँ पे सेल किए हैं और इसके बाद इन्होंने फिर से रिस्टॉक किया, 235 इनका स्टॉक था और अब देखिए इनका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है, मतलब कि सेल्स इतनी ज्यादा है इस प्रोडक्ट की, 200-300 पीसेस तो वीक में ही सेल कर दे रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे 2 दिन से प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो आप देखिए इसकी रैंक यहाँ पे कितनी ऊपर चली गई है, 4200 है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में। जहाँ पे हम इसका प्रीवियस डेटा देखते हैं तो आप देखिए इसकी सेल्स 58 और रैंक देखिए यहाँ पे आप 858। रैंक का वाला आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से इसका सेल्स के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। जैसे ये प्रोडक्ट कोई भी आउट ऑफ स्टॉक होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो रैंक बढ़ना आपकी एकदम स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप हमेशा क्या कीजिए, जब भी आपके प्रोडक्ट में अच्छी सेल्स आ रही हो आप उसको इमीडिएटली आप रिस्टॉक कीजिए ताकि आप अपनी सेल्स वहाँ पे लॉस ना करें। इसके बाद यहाँ पे इसका और डेटा देख लेते हैं।
एवरेज सेल जो इस प्रोडक्ट की यहाँ पे आप देख सकते हो 55 है, मतलब कि 50 से प्लस सेल है। अगर इस प्रोडक्ट में इनको दिन का 100 रुपए मार्जिन भी होगा तो आप खुद देखिए कि ये यहाँ पे कितना सेव कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 750 के आसपास इन्होंने पीसेज यहाँ पे ओनली 2 वीक्स में सोल्ड किए हैं। अगर आप 30 यहाँ पे डेज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखिए 1200 से ज्यादा इन्होंने यूनिट्स को सेल किया है। अगर एक वीक की हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लगभग 400 के आसपास यूनिट्स ये सेल कर रहे हैं। यहीं से आपको पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। और यहाँ पे अगर हम इसका कंपटीशन देखते हैं तो आप खुद ही देखिए बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, इसी टाइप के प्रोडक्ट को और मॉडिफाई करते हो या इसके साथ थंब स्लिप्स को फ्री में गिफ्ट करते हो तो आप और वाइज को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप यूनिक आइडियाज़ लगाइए। अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपग्रेडेड प्रोडक्ट देखने हैं तो आप amazon.com का यूज़ कीजिए या फिर अलीबाबा का यूज़ कीजिए, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो आप टारगेट कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इन प्रोडक्ट पे अगर काम करते हो तो डेफिनेटली आपको इनसे रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आपको इसी तरह से और प्रोडक्ट के आइडियाज़ चाहिए जो आप amazon पे सेल कर सकते हो तो आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो जो है www.amzplus.com। और यहाँ पे फिर आप चैट टीम से बात कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी है, आपका जो भी डाउट है आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैंने जिस टूल को यूज किया है आपको सेल्स ग्राफ बताने के लिए वो है हमारा प्रोडक्ट ट्रैकर, जो आपको हेल्प करता है किसी भी प्रोडक्ट की डेली सेल्स मूवमेंट को जानने के लिए। आप जान सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटर को डेली की कितनी सेल्स आ रही है, आप फिर उस हिसाब से काम स्टार्ट कर सकते हो। करना क्या होता है, प्रोडक्ट का ASN आपको ट्रैकर में एड करना होता है। विद इन 24 और 48 आवर्स में ट्रैकर उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है और फिर आप इजिली उस प्रोडक्ट की डेली बेस मूवमेंट सेल्स जान सकते हो। और इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।